हैदराबाद में मंदा मागुड़ा गांव में तकरीबन 80 ग्रामीणों ने पटवारी पंकज साहू पर नामांतरण और बंटवारे के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। हर गांव के लिए पटवारी 2 से 3 हजार रुपए मांग रहा है। कम पैसे देने पर मंगलू बघेल की ऋण पुस्तिका रोकने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया है। लगभग 40 ग्रामीणों ने मैनपुर तहसीलदार को लिखित शिकायत करते हुए पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, मगर कार्रवाई तो दूर, शिकायत करने के सप्ताह भर बाद भी जांच तक शुरू नहीं हो पाई है। नाराज ग्रामीणों ने देवभोग दौरे से लौट रहे कांग्रेस नेता संजय नेताम का रास्ता रोक कर पटवारी के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर संजय नेताम ने ग्रामीणों को कलेक्टर से मिलकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। और उन्होंने हमारे किसान बंधु को ये बोले कि इनका त्रुटि सुधार करने के लिए तहसीलदार से दस्तखत करवाने के लिए जो है ना खर्चा वर्चा लगता है करके 2000-4000 रुपया, इसीलिए ग्राम पंचायत मनागुड़ा में जो है ना पटवारी श्री पंकज कुमार साहू जी के द्वारा जो है ना पट्टे सुधारने एवं तहसीलदार महोदय से जो है ना दस्तखत कराने हेतु जो है ना प्रत्येक पट्टेधारियों से 1000-2000 एवं 3000 रुपये जो है ना रिश्वत के तौर पर लेकर कार्य किया गया था। और लोगों ने घेर करके बहुत आक्रोश व्यक्त किया है कि उक्त रिश्वतखोर पटवारी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। सभी ग्रामीणों को आश्वस्त किया हो कि बहुत जल्द जो रिश्वतखोर पटवारी है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुरंत मौके पर एसडीएम से मैं कॉल करके बोला भी हूँ, तो एसडीएम साहब ने कल का मौका दिया कि कल मैं उनसे देखता हूँ क्या मामला है, बोल के बोला हुआ है। बहुत जल्द कलेक्टर साहब से मिलकर इस संबंध में पूरी जानकारी कलेक्टर साहब को दी जाए। धमतरी के